जय शनिदेव। प्रिय भक्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी व्यूअर्स का हमारे इस चैनल गुरु रजनीश ऋषि जी पर हार्दिक स्वागत करता हूँ और हमारे समस्त जो व्यूअर्स हैं उनको गुरु रजनीश ऋषि जी, गुरु मारुकमणि जी और मेरी यज्ञ के स्वामी राज ऋषि की ओर से नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम चर्चा करने वाले हैं कि साल का जो पहला महीना है जनवरी 2022 का, उस वो आपके जॉब बिजनेस की दृष्टि से कैसा रहने वाला है, क्या आपको अपने करियर में सक्सेस प्राप्त होगी जनवरी 2022 में, इसकी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। जनवरी 2022 में चार मुख्य ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है और इसका क्या प्रभाव आपके वर्क प्लेस पर, आपके काम धंधों पर पड़ने वाला है, इसकी हम विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको एक ऐसा उपाय भी बताऊंगा जिससे आप जनवरी 2022 को अपने लिए और बेहतर बना सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे। सबसे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट्स में जय शनिदेव लिखना ना भूलें। हमारे इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब अवश्य कर दें और बेल यानी नोटिफिकेशन का आइकन दबाना ना भूलें। अब बिना वक्त गवाए आइए प्रारंभ करते हैं आज की इस चर्चा का। ज्ञान गंगा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं कर्मों की दृष्टि से समय कैसा रहने वाला है हमारे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। तो जब कर्मों की चर्चा होगी तो कुंडली के दशम भाव का हम लोग अध्ययन करेंगे। दशम के जो स्वामी हैं वो सूर्य देवता हैं। सूर्य देवता की स्थिति द्वितीय भाव में महीने की शुरुआत में और उसके बाद वो तृतीय भाव में चले जाएंगे मकर संक्रांति के उपरांत। जब तक वो द्वितीय भाव में है तब तक तो फिर भी ठीक है, जब वो तृतीय में चले जाएंगे तो स्थिति इतनी अच्छी नहीं होगी, थोड़ी परेशानियां आएंगी। तो इस समय पर अगर आपके इंटरव्यूज हैं या फिर आपको कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई करना है तो ज्यादा अच्छा समय जो है वो महीने का पहला भाग है। यहाँ पर हम लोग बृहस्पति की स्थिति को भी देखेंगे। आप कुंडली में देख भी पाएंगे स्क्रीन पर कि चतुर्थ भाव में बृहस्पति विराजमान है। बृहस्पति की जो पूर्ण दृष्टि है सप्तम में है और ये कहा जाता है कि बृहस्पति जहाँ पर सीधा सीधा देखते हैं वहां पर सबसे ज्यादा अच्छे फल देते हैं। और ये जो बृहस्पति है यहाँ पर आपको अच्छे फल भी दे सकते हैं। तो बृहस्पति जहां पर भी पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, अपना पूर्ण प्रभाव डाल रहे हैं अपने मित्र के घर में, सूर्य देवता जो हैं वो बृहस्पति के मित्र हैं और उनके घर में बृहस्पति की यानी उनके फ्रेंड की जो पूर्ण दृष्टि पड़ रही है उससे एक्सपेंशन भी मिलता है, यानी कि प्रमोशन, वर्क प्लेस पर रिकॉग्निशन, ये सारी चीजें भी बृहस्पति देवता आपको प्रदान कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए मैं फिर पुनः दोहराना चाहूंगा कि इससे ज्यादा अच्छा समय रहेगा किसी भी प्रकार के वर्क प्लेस से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए, वो जनवरी का पहला भाग रहेगा। दूसरे भाग में कुछ अड़चनें आ सकती हैं, उस दौरान डिसीजन लेने से आप थोड़ा परहेज करें तो ही बेहतर है। तो ये जो प्रिडिक्शन हम यहाँ पर देते हैं वो आप पर 60-70% तक लागू होती है, परंतु एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो आपकी अपनी जन्म कुंडली है, यानी कि जिस समय पर आपने जन्म लिया है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया बुध के रिस्पेक्ट में कि बुध जब वक्री होंगे तब उनके जो फल निर्धारित होंगे वो उसी से निर्धारित होंगे कि वो आपकी जन्म कुंडली में किस प्रकार बैठे। अगर जन्म कुंडली में अच्छे बैठे हुए हैं तो बहुत अच्छे फल आपको देखने को मिल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु अगर वो खराब बैठे हुए हैं जहां पर उनकी स्थिति अच्छी नहीं चल रही है और यही अगर उनकी महादशा या अंतरदशा से कोइंसाइड कर जाता है तो इस समय पर बुध बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो ये सब चीजें कि हमें दूसरों से अलग बनाती है। दुनिया में 750 करोड़ लोग अब जन्म ले चुके हैं और इस पृथ्वी पर इस समय पर रह रहे हैं और हर किसी की जो स्थिति है वो दूसरे व्यक्ति से भिन्न है। हर कोई अलग अलग परिस्थितियों का सामना करता है। इसका कारण यही है कि हमारी जो जन्म कुंडली में नवग्रह देवताओं की प्लेसमेंट है वही निर्धारित करेगी कि आपके जीवन में कौन सी घटनाएं कब और कैसे घटेगी। तो आवश्यकता है कि जो ये नया साल स्टार्ट हुआ है इसमें आप अपनी समझदारी से और साथ साथ ये जानते बूझते समझते हुए कि
आप इन नवग्रह देवताओं के मूवमेंट के अंतर्गत ही अपने जीवन में कोई भी कार्य करेंगे या उनका फल भोगेंगे। आवश्यकता है कि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराकर जरूरी कदम उठाएं, यानी कि जो ज्योतिषीय उपाय हैं अपने खराब ग्रहों को ठीक करने के लिए वो आपको समय समय पर करने चाहिए, और ये आपको तभी पता लगेंगे जब जन्म कुंडली का अध्ययन कराएंगे, जिसके लिए हम यहाँ पर शनि मंदिर में बैठे हुए हैं। आप गुरु रजनी शिशि जी, गुरु माँ रुक्मणी जी या मुझसे यानी कि स्वामी राजऋषि जी से अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन घर बैठे करा सकते हैं। हम वीडियो कॉल के माध्यम से आपको बताएंगे कि आपकी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ पर विराजमान है, उसका क्या फल हो सकता है, और यदि उनका फल अच्छा नहीं है तो उनको सुधारने के लिए आपको क्या करने की आवश्यकता है। बहुत से सरल और आसान से उपाय जो निश्चित तौर पर असरदार हैं, क्योंकि वो हमारे धन ग्रंथों में अंकित है, हमारे ऋषि मुनियों ने वर्षों की तपस्या के बाद उन्हें खोजा है और टेस्ट करने के पश्चात ही हमारे धन ग्रंथों में अंकित किया है। उन्हीं सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए हम यहाँ पर हमारे शनि मंदिर के माध्यम से अपने भक्तों की मदद करते हैं, उनको गाइडेंस प्रदान करते हैं। तो आप भी इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए अपनी जन्म कुंडली का जो अध्ययन है जल्द से जल्द करवाएं, और इसके लिए आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि आप में से कोई भी व्यक्ति ये महसूस करता है कि फाइनेंशियल तौर पर आप कमजोर हैं और अभी अपॉइंटमेंट लेने में आप समर्थ नहीं हैं, तो आप घर बैठे हमसे सर्व कार्य सिद्धि लॉकेट और सर्व कार्य सिद्धि अंगूठी जो है वो मुफ्त में या बहुत ही कम कीमत में हमसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यकता है कि आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे जल्द से जल्द संपर्क करें। मेरा नाम ज्योति कोटेचा है, हम गुजरात के रहने वाले हैं। हमने एक दिन स्वामी जी का यूट्यूब पे वीडियो देखा तो हमें लगा नहीं इसमें कुछ बात है, फिर हमने उसके बताए हुए नंबर पे स्वामी जी से बात की तो स्वामी जी ने मेरे मिस्टर की कुंडली देखकर उनसे दो रिंगे और एक लॉकेट पहनने को बोला, जो मेरे मिस्टर ने दो रिंग और लॉकेट पहना। उसके बाद मेरे मिस्टर को धंधे में अच्छा होने लगा। उसके बाद मेरी कुंडली भी मैंने स्वामी जी को दिखाई और उन्होंने मुझे भी ये दो रिंगे और ये लॉकेट पहनने को बोला। ऐसे ही मेरे मिस्टर को भी ये लॉकेट और दो रिंग पहनने को बोला है। हम दोनों ने ये दो रिंग और ये लॉकेट पहना हुआ है और इससे हमें धंधे में अच्छा होने लगा है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपके जीवन में भी कुछ तकलीफें है तो आप स्वामी जी से परामर्श करें, उसके बताए गए जो उपाय है उस पर फॉलो करें तो आपको भी धंधे में लाभ होगा। जय शनिदेव। चलिए मतलब बात कर लेते उस उपाय की जिससे आप अपने लिए जनवरी 2022 को बेहतर बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया कि मंगल को मजबूती अगर हम लोग प्रदान कर लें तो बहुत सी अड़चनें तो ऐसे ही शांत हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि मंगल जो है वो स्वास्थ्य के भी मालिक हैं और वृश्चिक राशि के लिए तो लग्न के मालिक भी हुई है, तो दोनों ही स्थिति में मंगल देवता बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह आप लोग के लिए बन जाते हैं। ऐसे मंगल को मजबूत करने के लिए आवश्यकता है दो उपाय करने की। सबसे पहले तो आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर नित्य प्रतिदिन हनुमान जी के चरणों से जो सिंदूर है वो लेकर अपने माथे पर लगाएं और हनुमान बाबा से आशीर्वाद लेकर ही किसी ज़रूरी काम पर जाएं। अगर कोई इंटरव्यू है, कोई इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग है या कोई भी अन्य इंपॉर्टेंट काम है, चाहे वो नई प्रॉपर्टी की आप खरीद या फिर अपनी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को आप बेचना चाहते हैं, ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन हो चाहे पर्सनल डिसीजन हो, आपको मंगल देवता का आशीर्वाद लेने के पश्चात ही करना चाहिए। तो इसके लिए हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप हनुमान जी के चरणों से आप जो तिलक हैं वो अपने माथे पर लगाएं और उसके बाद ही अपने ज़रूरी काम पर जाएं। वहीं पर आप मंगल के बीज मंत्र का भी हनुमान जी के सामने उच्चारण करें, ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः। ये मंगल देवता का बीज मंत्र है, इसका 108 बार उच्चारण करके यदि आप अपने काम पर जाते हैं तो उसमें निश्चित तौर पर सफलता मिलने के जो चांसेस है कई गुना बढ़ जाएंगे। चलिए भक्तों, हम लोग आज के प्रोग्राम को यहीं पर विराम देना चाहते हैं। आशा करता हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट्स में जय शनिदेव भी जरूर लिखें।